हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू गार्डन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइन। मेरा फ्लावरिंग प्लांट है, ये अपराजिता की वाइन है फ्रेंड्स। इसको आप परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट बोल सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपकी एक पेरिनियल वाइन होती है, जो कि आप अगर एक बार लगा लेते हैं तो ये साल के सालों आपके गार्डन में चली रहती है। और आप जैसे कि देख रहे हैं ये कितनी ऊंची, मतलब ये वाइन है, लतर टाइप में है, बहुत ऊंची चली जाती है फ्रेंड्स। मैंने तो इसको, ये जो मैंने लगाया हुआ है इसको फ्रेंड्स, मैंने इसको एक 14 इंच का पॉट दिया। और मैंने जब ये प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी ना, उस टाइम से ही मैंने इसके फ्लावर्स देखे कितने खूबसूरत येलो ब्लू कलर में। जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी फ्रेंड्स, उस टाइम से ही मैंने इसको डायरेक्ट 14 इंच का मेरा पॉट है, क्ले पॉट है, मैंने डायरेक्ट छोटे से प्लांट को उसी में शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लांट अपनी रूट्स बहुत तेज़ बढ़ाता है, बहुत तेज़ इनकी रूट्स डेवलप होती हैं। और अगर आप इनको छोटे से, अगर आप इनको किसी भी छोटे पॉट में लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी 2-3 महीने में ये रूट बाउंड हो जाता है और फिर प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो और इसलिए कि आप जब भी इनको नर्सरी से लेकर आइए तो आप कोशिश करिए कि इसको डायरेक्ट आप बड़े पॉट में शिफ्ट करिए। इनके कलर्स देखिए, ये कॉमनली फ्रेंड्स ये 2 कलर में आते हैं, एक वाइट और एक ये ब्लू कलर। देखिए कितना खूबसूरत सा ब्लू कलर है। और इसमें मेरे पूरे प्लांट में बहुत ढेरों ढेर बर्ड्स आए हुए हैं। और इसको मैंने ग्रिल में एक ऐसे रॉड लगा के उसका सपोर्ट दिया हुआ है, और ये उसी सपोर्ट से ये बहुत ऊँचा चढ़ रहा है, काफ़ी ऊँचा ये चला गया है। तो फ्रेंड्स आप जब इसको लगाते हैं, इसमें कलर कॉमनली 2 ही आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये हमारे यहाँ फ्रेंड्स बारिश हुई हुई है तो ये उस वजह से अभी जस्ट रुकी और मैं ऊपर आ गई हूँ। तो इसमें कलर फ्रेंड्स 2 आते हैं, ब्लू और वाइट कलर में। सिंगल पेटल होता है फ्रेंड्स और डबल पेटल होता है। और मैं देखिए जैसा कि आपको दिखा रही हूँ हमारे प्लांट में, देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। बारिश हुई है तो देखिए पानी धीमे धीमे करके ड्रेन आउट हो रहा है, तो इसमें का भी ड्रेन आउट हो जाएगा वाटर जो भी है, क्योंकि मेरे प्लांट की सारी मिट्टी वेल ड्रेन होती है तो किसी में भी मेरे पानी ठहरता नहीं है। इसकी फ्रेंड्स मैंने मल्टीपल ब्रांचेस इसकी कैसे की, तो इनकी मल्टीपल ब्रांचेस करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप इनको जगह जगह से पिंच करते रहिए। जितना ज़्यादा आप इनको पिंच करेंगे ये उतनी ज़्यादा ब्रांचेज इसमें आती जाएंगी। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, इस टाइम बादल एकदम आसमान छाया हुआ है, खूब बादल घेरे हुए हैं। और देखिए प्लांट में कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेज है, ये अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ करता है। और आप बस इसको जगह जगह से आप इसकी टिप को पकड़ के वहाँ से आप कट करते रहेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से घना होता चला जाएगा। बात करती हूँ फ्रेंड्स इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो इनको फुल सनलाइट में आपको शिफ्ट करना है। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे, अब ये जो सितंबर का टाइम चल रहा है तो इस टाइम में आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहाँ पे इसमें सारा दिन की डायरेक्ट सनलाइट आना चाहिए, तो ये उसमें बहुत अच्छे से चलेंगे। वाटरिंग इनको, इनकी एकदम मिट्टी एकदम सूखी भुरभुरी मिट्टी इनकी नहीं होना चाहिए, एकदम वेल ड्रेन नहीं होना चाहिए। तो जब आप इनकी मिट्टी बनाते हैं तो आप ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, पूरे प्लांट में मेरे बर्ड्स भरी हुई हैं। जब आप इनको बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो इनकी आप मिट्टी में आप 60% अपने गार्डन की सॉइल लेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद आप इसमें लेंगे 40% तक आप काउडंग लेंगे, तो ये उसमें बहुत अच्छे से चलेंगे। और बीच बीच में देखिए आप अपने प्लांट को घना बनाने के लिए इनकी बहुत छोटी छोटी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्रूनिंग करते रहिए, मतलब एकदम पिंच जहाँ पे इसका टिप ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से पकड़ के बस आप इनको कट करते रहिए, तो ये खुद ब खुद एकदम बुशी होता जाएगा, घना होता जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा पॉट भी नहीं है, 14 इंच का ही पॉट मैंने अभी दिया है इसको। और ये देखिए कहाँ तक पहुँच गया, नाना करके फ्रेंड्स इसकी हाइट हो गई होगी, 8 से 9 फीट ऊंचा हो गया होगा। और ये ग्रिल के सहारे देखिए कितने आसानी से चढ़ रहा है। ये फ्रेंड्स ये प्लांट जो है आपका बहुत हार्डी होता है, समर ग्रोइंग प्लांट होता है। इसमें अप्रैल से लेके जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो आपका दिसंबर स्टार्टिंग तक फ्लावरिंग होती रहती है, क्योंकि जब तक गर्मी रहेगी मौसम में तो ये अपनी फ्लावरिंग करता रहेगा।
अब बात करती हूँ फ्रेंड्स इसकी, विंटर्स इनका, इन प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड होता है। फ्रेंड्स मैं इस टाइम में वीडियो मैंने बनाया, बट मैं खाद नेक्स्ट डे दूंगी जब मेरे प्लांट, ये जो पॉट है मेरी, इसकी मिट्टी सूख जाएगी। तो मैं आज आपसे चार ऐसी बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ कि जिनको आप अपने प्लांट को देंगे तो आपके भी प्लांट की ग्रीनरी भी मेंटेन होगी, आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी जाएगी और आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी। और ये इसके फ्लावर ब्लू कलर के फ्रेंड्स इतने खूबसूरत लगते हैं कि दूर से ही देखने से मतलब जैसे हाईलाइट होते रहते हैं, चमकते रहते हैं। देखिए मिट्टी में पानी कितना भरा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी और सब गमलों का निकल गया, बट ये अपना स्लोली स्लोली निकल रहा है, ये भी निकल जाएगा। तो मैं इसमें कोई 4 फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ जो कि फुली ऑर्गेनिक होगा और आप लोगों को ईजिली अवेलेबल होगा। तो आप उन फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में आप लोग भी ऐड करिएगा, जैसा ऐड होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपके भी प्लांट की ग्रोथ इसी तरह से बहुत अच्छी होगी। बस इसमें एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स कि इसकी मिट्टी में निमिटोड हो जाते हैं, जो कि आपके जो रूट्स होती हैं उनमें गांठ गांठ की प्रॉब्लम कर देते हैं, पूरी रूट्स को आपके खा के वहाँ पे गांठ की तरह बन जाता है, जिससे कि आपकी प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, वो प्रॉब्लम लग जाती है। तो उसका भी सोल्यूशन है जो मैं काट दूंगी हर चीज़ को ध्यान रख के। और देखिए इसकी ग्रीनरी कितनी बेहतरीन है, कितने अच्छे से ये वाइन है अपना बढ़िया से चल रही है। और ये लगाए मुझे कोई 4 महीना हो रहा होगा, 4-5 महीना। तो खाद क्या देना है वो मैं अब आपके साथ बताती हूँ। आपको बताने वाली हूँ मैं ऐसी 4 खाद जो कि ऑर्गेनिक है और आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की ऐसे हल्के हाथों से गुड़ाई कर लेंगे, ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करना है क्योंकि बारिश हुई है, और मिट्टी में ज़्यादा गहरी गुड़ाई करने से आपकी रूट डैमेज होने का डर है। तो इसके बाद आप सबसे पहले अपने प्लांट की गुड़ाई करने के बाद उसमें आप देंगे फुली डिकम्पोस्ट आपका काउडंग। ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो काउडंग है वो फुली डिकम्पोस्ट होना चाहिए, अच्छे से 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका फुली डिकम्पोस्ट है? तो जो फुली डिकम्पोस्ट होता है उसका कलर एकदम ब्लैक कलर में होता है और उसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है, जो कि आपका इंडिकेट करता है, बताता है कि ये आपकी जो भी खाद है ये अच्छे से डिकम्पोस्ट है। तो आपको उसको करीब 50-60 ग्राम के करीब आपको अपने इस पॉट में फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद आपको अपने पॉट की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, मिक्स कर लेना है, मतलब खाद को। ये आपके प्लांट में जो भी आपका नाइट्रोजन वाला पार्ट है ये बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा, आपके प्लांट में बहुत सारी लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मैंने करीब 60-70 ग्राम आप मान लीजिए, करीब 1-2 मुट्ठी के करीब ये मैंने डाल दिए, ज़्यादा मैं गुड़ाई नहीं करूँगी। अब इसके बाद मैं दूसरे साइड में आपने प्लांट की हल्के हाथों से गुड़ाई कर ले रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना सेकेंड फर्टिलाइज़र दूंगी, जो कि है आपका ये बोन मील फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके प्लांट की रूट्स में फॉस्फोरस की जो भी कमी होती है वो आपके प्लांट में फुलफिल करता है। इसको देने से आपके प्लांट कि जो भी रूट्स होती हैं वो हेल्दी रूट्स आती हैं, मजबूत होती हैं, आपके प्लांट में जो भी बर्ड्स बनने का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ओवरऑल फॉस्फोरस आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही मेन न्यूट्रिएंट होता है, जो कि आपका बोन मील से मिल जाता है। तो आप करीब, ये मैंने 2 स्पून के करीब बोन मील अपनी मिट्टी में ऐड करके मिट्टी को अच्छे से दबा दिए। अब जो थर्ड है जिससे मेरे प्लांट में इतनी सारी बर्ड्स आई हैं, वो बनाना पील का ड्राई पाउडर है। मैंने बनाना पील को अच्छे से वॉश करके उसको सुखाने के बाद उसका पाउडर बना दिया। तो ये मैं करीब 2 टीस्पून के करीब अपने पॉट में दूंगी। ये आप बनाना पील जो है ये आप करीब महीने में 3 बार अपने प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर आपका ड्राई पाउडर फॉर्म में हो। तो उससे आपके प्लांट में जो भी है वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी वो दूर होती है, आपके प्लांट में फ्लावरिंग बहुत होती है। और ये जो 4th है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है नीम केक फर्टिलाइजर।
फर्टिलाइज़र जिसको बोलते हैं नीम की खली, तो ये आपके प्लांट में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है, क्योंकि इस टाइम में आपकी मिट्टी में निमिटोड्स हो जाता है जो कि आपके अपराजिता को ख़राब कर देता है। मिट्टी में जो भी उनकी रूट्स होती हैं उनमें ये गांठ गांठ बना देता है, जिससे कि आपकी रूट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और आपका प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो करीब ये एक डेढ़ टीस्पून के करीब मैंने डाला है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नीम खली होता है ये बहुत अच्छा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और भी इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से आप भी केयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़